मेरी वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आज आपको ब्लड यूरिया टेस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ और ये कैसे टेस्ट लगाया जाता है और ये बढ़ने के बाद क्या क्या दिक्कतें आती है सब बताऊँगा। ये देखिए एक पेशेंट है, उसका हमने सैंपल लिया है, ये सैंपल प्लेन होना चाहिए, हमने प्लेन कैंटीनर में निकाला है और इसको सेंट्रीफ्यूज किया हमने, इसमें सीरम एकदम प्लेन आया हुआ है, बढ़िया था। ये देखिए हमारा यूरिया किट रिजेंट है बिकान कंपनी का, हमारी मशीन भी बिकान की है बायोकेमिस्ट्री। अब मैं ये टेस्ट लगाने जा रहा हूँ, देखिए कैसे लगाना होता है। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें R1 यानी पहला रिजेंट जो है नंबर एक का है, उसको हम डालेंगे इसमें जो है 1000 माइक्रॉन, 1000 माइक्रॉन इसको हम जो है रिजेंट नंबर वन डालेंगे। ये देखिए हमने डाल दिया, ये गुर्दे संबंधित जांच होती है और इसके बढ़ने से, ब्लड यूरिया टेस्ट के बढ़ जाने से हमारे गुर्दे में इन्फेक्शन होता है और यूरिन में दिक्कतें आती हैं, गुर्दा हमारा प्रभावित होता है, पूर्ण रूप से प्रक्रिया नहीं कर पाता है। कोई भी अगर गुर्दे में इन्फेक्शन होता तो पहले ये यूरिया नामक जो जाँच होती है बढ़ जाती है। ये देखिए हमने 1000 माइक्रॉन इसमें डाल दिया, अब हमको 50 माइक्रॉन इसमें जो है डालना है पेशेंट का सैंपल। ये देखिए यह टेस्ट मैं बिकान कंपनी के रिजेंट से लगा रहा हूँ, इसका नाम है यूरिया टेस्ट और इसका मेथड है नेड मेथड। ये पेशेंट का हमारे सैंपल है और इस सैंपल को हम 50 माइक्रॉन में देखिए सैंपल उठा रहा हूँ और ये पेशेंट का सैंपल हमने टेस्ट में डाल दिया। अब हमको 3 मिनट का वेट करना है, डालने के बाद देखिए हमारा टाइमर है, अब 3 मिनट के लिए इसको जो है सेट करेंगे। ब्लड यूरिया टेस्ट जो होता है ये हमारे गुर्दा को प्रभावित होने के बाद ये टेस्ट बताता है कि हमारा गुर्दा का फंक्शन कैसा चल रहा है और इसको डॉक्टर रिक्वायरमेंट यही लिखता है कि आप ब्लड यूरिया टेस्ट करवाइए। जैसे किसी पेशेंट को जो है पेट में दर्द हो या पेशाब में दिक्कत हो या बॉडी में सूजन बनती हो या ये लग रहा है कि पाँव हाथ में सूजन आ रही है, तब इस टेस्ट को डॉक्टर लिखता है। ब्लड यूरिया हमारे शरीर का बेस्ट एक पदार्थ होता है जो गुर्दे के माध्यम से बाहर जो है निकाला जाता है, अगर वह बढ़ता है निकल नहीं पाता तो हमारे शरीर में सूजन और जो है स्वेलिंग और आपका जो हीमोग्लोबिन वगैरह भी प्रभावित करने लगता है इसके बढ़ने से, इसलिए टेस्ट देखिए इस मशीन में कैसे परफॉर्म इस टेस्ट को करते हैं हम लोग दिखाते हैं। ये देखिए हमारी बायोकेमिस्ट्री है बिकान सेमी ऑटो करके VKM स्मार्ट। अब इसका देखिए स्क्रीन चालू हो गया, मेनू चल रहा है, यहाँ हमको टेस्ट लगाना है यूरिया पर, हमने इसको टिक किया, ये यूरिया एन यानी यूरिया नेट करके आया, इसको हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको देखिए साफ कर रहे हैं, इसको वॉश करना होता 2 बार, हमने वॉश किया। यहाँ से ये जो है डिस्टिल वाटर एब्जॉर्ब करती है और पीछे देखिए उस डब्बे में जाके वेस्टेज गिरता है। यूरिया के बढ़ने से जो हमारे गुर्दे का नेफ्रान होता है जो फिल्टर करता है जो है यूरिन को और ब्लड को फिल्टर करता है वो प्रभावित होता है, जिससे हमारे गुर्दे की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। ये देखिए हमने इसको लगा दिया, एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ हमारा टाइमर ये देखिए चलता हुआ धीरे धीरे 3 मिनट के करीब आ चुका है। ये देखिए यूरिया किट का जो दूसरा रिजेंट है R2 करके, अब इसको हम 500 माइक्रॉन इसमें जो है 500 माइक्रॉन इसमें डालेंगे इस टेस्ट के ट्यूब में। ये देखिए हमने 500 माइक्रॉन लिया, 500 माइक्रॉन में लिया ये, अब इसको हम, ये देखिए हमारा टाइमर बच चुका है यानी हमारी समय हो चुकी है, अब इसको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे, मिक्स हो चुका है, अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये टेस्ट हमारा हो चुका है।
अब इस टेस्ट को मैं अपने मशीन में पिलाने जा रहा हूँ। इस टेस्ट को मैं अपने मशीन में पिलाने जा रहा हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ से सैंपल का टाइप करना होता है, टाइप यहाँ वाटर ब्लैंक होता है, यहाँ स्टैंडर्ड होता है, यहाँ सिंपल। तो हमको डायरेक्ट सिंपल करना है तो सिंपल पे डिप करेंगे। इसके बाद इसकी आईडी, आईडी क्या जी अनिल सिंह की आईडी बताओ। 11। ये देखिए आईडी हमारी हो गई 11, हमने कंफर्म कर दिया। इस पेशेंट का टेस्ट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये देखिए मशीन ऑब्जर्व कर चुकी है, हमने इसको पिला दिया और ये सिंपल को जो है अंदर ले जा चुकी है। देखिए धीरे धीरे रीडिंग आ रही है, ये मशीन हमारी ऑब्जर्व कर रही है। यहाँ पॉइंट दिखाता हुआ, यहाँ हमारा ग्राफ बनता हुआ देखिए दिखाई दे रहा है। यह टेस्ट हम बीकान कंपनी की वीकेम स्मार्ट मशीन ऑटो सेमी से कर रहे हैं और ये टेस्ट का किट भी बीकान कंपनी का ही है। इसका मेथड है नेड। ब्लड यूरिया टेस्ट करवा लेना चाहिए। ब्लड यूरिया टेस्ट कराने से हमको गुर्दे के इन्फेक्शन के बारे में जानकारी मिलती है या हमारे बॉडी में कोई फंक्शन डिस्टर्ब होता है जिससे गुर्दे पर प्रभाव होता है तो यह बताता है। ये देखिए 74, 75, 71, 71, 70 करके जो इसका परसेंटेज जो है डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ग्राफ बनता हुआ जा रहा है, अभी हमारा रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। पेशेंट का जब गुर्दा खराब होता है तो उसकी हीमोग्लोबिन डाउन होती है, पेशाब में प्रोटीन जाने लगता है और ब्लड टेस्ट में यूरिया और क्रिएटिनिन नामक टेस्ट होते हैं, ये सब बढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रिक्वायरमेंट में जो है इसको ब्लड यूरिया टेस्ट करवाता है, अगर ये बढ़ा मिलता है तो लोग जो है केएफटी टेस्ट भी करवाते हैं। केएफटी टेस्ट में हमारे ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, अल्कलाइन फास्फेट, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एजी रेशियो इत्यादि सारी जांचें होती हैं तो क्लियरिटी और क्लियर हो जाती है। ये देखिए हमारा टेस्ट क्लियर होने जा रहा है। ये देखिए हमारा रिजल्ट यहाँ आने वाला है, यहाँ हमारा रिजल्ट आने वाला है। ये देखिए हमारे पेशेंट का रिजल्ट 34.41 करके आया हुआ है, इसको हमने प्रिंट आउट कर दिया। यहाँ से देखिए हमारा जो है टेस्ट प्रिंट आउट हो गया। हमारे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं समझ में आता है कुछ तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।